अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मोहम्मद शाबान और हर साल की तरह इस साल भी जो है पंजाब कॉलेज सादकाबाद में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आज जो है बड़े बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे देखने को मिला। और यकीन करें मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा ये प्रोग्राम था, इसमें बड़ा कुछ सीखने को मिला हमें भी और जो बच्चों ने सीखा वो तो था ही कमाल। तो इसका जो सेहरा जाता है वो पंजाब कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके सर जाता है, जिन्होंने हमेशा ही सादकाबाद के बच्चों के लिए हर वक्त ही तैयार रहते हैं। उन्होंने तालीमी मैदान में अपना बहुत ही कम अरसे में अपना नाम पैदा किया और इस वक्त जो है वो प्रिंसिपल के तौर में पंजाब कॉलेज सादकाबाद में जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और बच्चों को जो है वो हर रोज़ हर नए प्रोग्राम में कुछ नया सीखने को जो है वो देते हैं। तो इस बार जो है उन्होंने क्विज कंपटीशन का जो है निकाल किया, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने का मौका मिला। सर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सर, हमेशा की तरह सादकाबाद में जब भी कुछ नया आता है तो वो पंजाब कॉलेज ही शुरू करता है, पंजाब कॉलेज के सर ही उसका सहारा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो लीडर होता है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो क्या कहना चाहेंगे सर पंजाब कॉलेज के बारे में, बच्चों के बारे में और आज के प्रोग्राम के बारे में? थैंक यू शबान। तो ये प्रोग्राम हमारा पंजाब कॉलेज, जिस तरह आपने बताया कि हर इवेंट का पायनियर है पंजाब कॉलेज सादकाबाद कैंपस, को 10वां साल जा रहा है ये क्विज कंपटीशन करवाते हुए। इसके दो फेस होते हैं, इसका मेन पर्पस होता है बच्चों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। पहला जो फेस आज हुआ है ये सैंडविक एग्ज़ाम से पहले जो 29 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, और इसका फेस टू जो है वो प्री बोर्ड से पहले लिया जाता है। इसका मकसद बच्चों के सिलेबस और उनकी तैयारी, उनको रिवाइज करवाना, उनके ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करना, इस पर्पज़ के लिए जो लर्निंग एक्टिविटी है कंडक्ट करवाई जाती है। तो सर बच्चे जो है क्या सीखते हैं इससे, और आने वाले बच्चों में जो है जिस तरह आप बता रहे हैं कि फर्स्ट फेज है तो सेकंड फेज कब होगा, और बच्चों में जो है वो हर किसी की ख्वाहिश होती है, जिस तरह कौन बनेगा करोड़पति में हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मैं करोड़पति बन जाऊँ, इनाम जीतूँ, तो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा बताएं ना, बच्चे जो इनाम जीतेंगे मतलब कि उनके लिए क्या इनाम रखे गए? इसमें जो फेज़ टू है वो प्री बोर्ड से पहले लिया जाएगा और उसमें पूरा सिलेबस होता है, और उनमें से जिस तरह पार्ट वन और पार्ट टू में से 2022 का जो चैंपियन होगा उनके लिए कैश प्राइज भी होते हैं, उनके लिए ट्रॉफी भी होती है, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से। जब वो स्टेज पे आते हैं और ऑडियंस को देख रहे होते हैं और ऑडियंस को बैठ के जब रिप्लाई करते हैं तो इस स्टेज पे बैठ के उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हमने किस तरह से अपनी क्वेश्चन आंसर का उनको फेस करना है, और जो पंजाब कॉलेज अपने बच्चों के अंदर बेसिकली कॉन्फिडेंस जो है इस एक्टिविटी के जरिए प्रोवाइड करता है। इसमें कोई शक नहीं है जी, हम जब भी आते हैं यहाँ पे बच्चों में जो है बड़ा ही कॉन्फिडेंस हमें पाया जाता है, और इसके अलावा जो है बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है सीखने का मौका मिलता है। सर क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, अशरफ साहब के बारे में, जिस तरह लीडर है और वो बड़ा कमाल तरीके से कॉलेज को चला रहे हैं और बहुत सी सलाहियतें अब बच्चों में जो पैदा करें, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम शुभान भाई, आपका तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सीख लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से PGC जो है यहाँ पर लॉन्च हुआ है, और 10 साल से जो है हर साल क्विज कंपटीशन अरेंज करता है ताकि बच्चों की दो जो सैंडअप की तैयारी है और नेक्स्ट प्री बोर्ड जो इम्तिहान होगा और नेक्स्ट जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसकी फुल फ्लेज वो तैयारी कर सकें। ना सिर्फ ये पार्टिसिपेंट जो इससे फ़ायदा हासिल करते हैं बल्कि जो पीछे ऑडियंस तमाम स्टूडेंट बैठे होते हैं वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो ये क्रेडिट सर मोहम्मद अशरफ साहब को जाता है जो हमें गाइड भी करते हैं डेली हर प्रोग्राम में हमें कि आपने इस तरह लेके चलना है प्रोग्राम को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गाइडेंस हमें हमारे लिए बहुत मुफीद होती है। तो थैंक यू सर आपका भी, और आप भी तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब कॉलेज पाइंदा। बिल्कुल जी, पंजाब कॉलेज पाइंदाबाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी अदारे में जाएँ और उस अदारे की जो है पहचान बन जाते हैं, वो कहीं पर भी जाएँ उस अदारे के नाम से जाने जाते हैं। मैं कहता हूँ कि पंजाब कॉलेज की सबसे खूबसूरत शख्सियतें सबसे खूबसूरत नज़र आते हैं और किसी भी तकरीब को जो है वो चार चांद लगा रहे होते हैं। ताहर अमीरतार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर इतना अच्छा प्रोग्राम आज भी हमेशा की तरह, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो जो अल्फाज आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टेज पे भी जाहिर है आप भी सादकाबाद की शान है, सादकाबाद की पहचान है, और मोहम्मद शाबान है, और अल्लाह ताला आपको भी जो आप करते हैं सादकाबाद के लोगों के लिए उनके लिए भी हम दुआ। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। जाहिर है मैं इस चीज़ पे बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि डे फर्स्ट से आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम का हिस्सा हूँ 10 सालों से, तो मेरे लिए तो बड़ी अरशद साहब के साथ काम करना जी पहचान, तो मेरी पहचान बनवाने में PGC का अरशद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बस छोटा सा अपना जो हिस्सा है वो बीच में डालता हूँ। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सादकाबाद के स्टूडेंट्स, FSC के स्टूडेंट और JDW के जो स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा यूनाइटेड शुगर मिल से और फातिमा फर्टिलाइज़र के, ये इन सब का एतमाद
पीजीसी पर है, पीजीसी के तरीक़ेकार पर है, और आज आपने देखा कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड हमारा एटमॉस्फेयर होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ रहते हुए कोई ऐसी बात नहीं होती जिसमें कि कोई शोर होगा या इस किस्म की, जैसे आमतौर पर को जहाँ पर बिठाया जाता है स्टूडेंट्स को। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चों के अंदर सलाहियतें और कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए उनको क्वेश्चन का आंसर देने में। और आप शुभान भाई, आप यकीन कीजिए कि इतना तमाम बच्चे, ये हमारी को करिकुलर एक्टिविटी होती है, यानी कि साइंस के सब्जेक्ट, फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट, उनके क्वेश्चन के आंसर देना। और आने वाले दिनों में जैसे सर ने बताया कि उनका स्टैंडअप है, तो बच्चे स्टैंडअप की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के दोनों, उनके क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाते हैं, हम इंटरटेन भी कर देते हैं, और साथ ही अपना मकसद के बच्चों के दरमियान हम फोकस्ड उसी स्टडीज़ पर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि 2020 का जो रिज़ल्ट था वो सबसे टॉप पे, पीजीसी सादिकाबाद कैंपस 9 पोजीशन के साथ, और पढ़ाई के अंदर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उसके बाद अब हमारा स्टेप का एक सिलसिला है, उसमें माशाल्लाह हम टॉप पे हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ से डॉक्टर और फिर इंजीनियर के एडमिशन हुए, और यानी कि वो स्टेप का। फिर ब्रेन ऑफ सादिकाबाद भी आप तो लाजमी आते हैं, तो उसमें आज बच्चे, वो अब्दुल हादी आया हुआ था, एक बच्चा आया हुआ था, एक कायनत मुमताज़ आई थी, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आपके सामने, उनको हमने कैश प्राइजेस भी दिए और फिर बाइक भी दी, और इन बच्चों की हौसला अफजाई भी हम करते हैं। तो यानी कि सादिकाबाद शहर के लिए जो पीजीसी सादिकाबाद कैंपस है, ये आप कह लें कि एक बड़ी नेमत से कम नहीं है, जहाँ पे खूबसूरत टीम और बड़े खूबसूरत कैप्टन और माशाल्लाह तमाम के तमाम टीचर्स वेरी डिवोटेड, वेरी सिंसेयर और वेरी फेथफुली ये सारे काम को सर अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप जो जिन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत हंसमुख और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये अलग बात है कि इनकी दावत जो है मेरी तरफ पेंडिंग है, इन्होंने पे हमें बहुत अच्छी दावत भी खिलानी है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? शबान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि हम हर इवेंट पर आपको दावतनामा भेजते हैं और आप उसे सर आँखों पर रखते हैं और यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ के लिए बड़े मशहूर हैं आपके। और दूसरे नंबर पे जो ये इवेंट है, इसके हवाले से यही बताना चाहूँगा, जैसे कि बाकी टीचर्स ने भी और प्रिंसिपल साहब ने भी आपको बताया, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसमें चलें ये तो है कि हमने पढ़ाई के लिहाज से बच्चों की तैयारी करवानी है। उसके अलावा इसका एक जो बड़ा मकसद वो ये है कि अगर हमारे इस इलाके के बच्चों में भी ये कॉन्फिडेंस आ गया कि स्टेज के ऊपर जाके आंसर कैसे देना है, सवाल जब पूछा जाएगा तो वो बड़ा क्रिटिकल मोमेंट होता है, उस टाइम पे चीज़ें आती हुई भी बच्चे को भूल जाती हैं, तो उस प्रेशर को किस तरह से ओवरकम करना है, इतने लोगों के सामने कैसे बोलना है, जब ये चीज़ हम बच्चों के अंदर दाखिल कर देंगे तो इंशाल्लाह यहीं से लीडर्स होंगे जो जाएंगे और हमारे शहर की और हमारे लोगों की भी नुमाइंदगी करेंगे। तो सबसे बड़ा जो हमारा पहला इसके लिए पॉइंट है वो तो यही है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि तमाम माशाल्लाह से जो इदारे हैं, स्कूल्स हैं, जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उसमें भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। और एक चीज़ आपने भी देखी होगी कि सिर्फ तालीमी मैदान में ही नहीं बल्कि खेल के मैदान में आप देख लें या इस तरह की एक्टिविटीज़ के मैदान में देख लें तो पंजाब कॉलेज अपनी एक यूनिकनेस रखता है, ठीक है, दूसरों से मुनफरिद है। और जाहिर सी बात है जो चीज़ मुनफरिद होती है उसके ऊपर लोगों की नज़र भी होती है कि ये पॉजिटिव वे में जा रही है या नेगेटिव वे में जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ पॉजिटिव वे में कंडक्ट करवाई जाती हैं और हमेशा बाकी इदारों के लिए भी यही मैसेज दिया जाता है कि इस वे में हमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करना है ताकि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो सके। बिल्कुल जी, अब जो शख्सियत से मैं आपको मिलवाता हूँ, बड़े ही हैंडसम है और कमाल शख्सियत है, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी लाजवाब है और किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा है, बड़े प्यारे भी लग रहे हैं। आप तो क्या कहना चाहेंगे पंजाब कॉलेज के बारे में और आज के प्रोग्राम के बारे में? थैंक यू वेरी मच शुभान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप खुद भी बहुत प्यारे हैं इसलिए आपको बाकी लोग भी प्यारे लगते हैं। इस एक्टिविटी के बारे में शुभान भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वाहिद एक्टिविटी है जो कम्बो है बेसिकली इंजॉयमेंट का और बच्चों की तैयारी का, स्टडी का। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी टोटल अपनी तैयारी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके उनका हम कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, आके बताएं, डिफरेंट टीचर्स आके उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और कितने बच्चे, हज़ार बच्चे आलमोस्ट सामने बैठे होते हैं, उनके सामने वो आके डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं और उनकी अच्छी से अच्छी बेहतर तैयारी होती है जो उनके आगे जाके बहुत काम देती है। अब यूनिवर्सिटीज़ में जाके उन्हें प्रेजेंटेशन देनी होती हैं, स्टेज में आना पड़ता है। अब मैं बाकी इदारों के लिए भी यही मैसेज देना चाहूँगा, और पीजीसी अपने आप को डिफरेंशिएट इसी वजह से करता है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाए, पहली दफ़ा स्टेज पर जाए, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि वो बता सके बातें अपनी, जो भी उसने बात करनी हो वो दूसरे से कम्युनिकेट कर सके।
और उसके बाद जब उनकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है तो उनके फ्यूचर में भी ये बहुत बेनिफिशियल, एक बहुत ही अच्छा इवेंट रहता है। आपने खुद देखा है कि कितने अच्छे तरीके से लोग इंजॉय भी करते हैं और उनकी तैयारी भी होती है और एक बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट बन जाता है। बिल्कुल जी, हम यहाँ पे आए बिल्कुल, और आज जिस तरह सर ने भी बताया कि बच्चों में अगर कॉन्फिडेंस पैदा करना है तो इस तरह के प्रोग्राम हर अदारे को करने चाहिए। जिस तरह पंजाब कॉलेज ने ये सहारा उठाया और बड़े अरसे से ये प्रोग्राम चला रहे हैं, इससे बच्चों में जो है वो आगे बढ़ने की बड़ी सलाहियतें पैदा होती हैं। इस बारे में बच्चों का क्या कहना है, उनकी भी बात आपको सुनवाते हैं, उन्होंने यहाँ से क्या सीखा उनके बारे में भी आपको बताते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। पंजाब कॉलेज में क्विज कंपटीशन हुआ है, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारी मिड टर्म भी हो रही है तो उस लिहाज से उसके एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए हमने आज हमारा क्विज कंपटीशन था। हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमने भी पार्टिसिपेट किया, काफ़ी मेहनत की है और इंशाल्लाह आगे अच्छा होता जाएगा। सही था, तैयारी थी इसलिए सही हो गया, लेकिन कुछ थे सोचने वाले वो भी हमने फेस कर लिए। हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हम लोगों का थोड़ा सा स्टडी से ब्रेक मिल जाता है, लेकिन इस तरह क्विज कॉम्पिटिशन की तरह के जो कॉम्पिटिशन होते हैं इससे हमारे जो स्टडीज़ हैं उनकी भी प्रिपरेशन हो जाती है। और ये हम लोगों का ये जो पंजाब को तकरीबन 8 to 9 ईयर्स हो गए हैं, सो यहाँ सादकाबाद में बने हुए, तो फिर मैं तो बचपन से ही था कि मैं पंजाब कॉलेज में एडमिशन लूँ, लेकिन इंशाल्लाह देखें अब ये मेरा ख्वाब भी पूरा हो गया और हम लोगों को मज़ा भी आ रहा है, हम लोग स्टडी भी इंजॉय कर रहे हैं और ये कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंजॉय कर रहे हैं। पंजाब कॉलेज पहले तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं पंजाब कॉलेज में 8 to 9 ईयर्स हो गया है और हमारे प्रिंसिपल मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, बहुत अच्छे हैं और हमारी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे माइंड को फ्रेश करती है और हमें साथ साथ हमारी स्टडीज़ को भी लेकर चल रहे हैं। इनका मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, सारा सिस्टम भी बहुत अच्छा है और फिर उसके बाद ये हमारा जो आज का क्विज कंपटीशन था उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ PGCE और सेकेंड ऑफ ऑल हमने बहुत इन्जॉय किया आज, इससे एक तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और दूसरा हमने बहुत इन्जॉय भी किया में होने चाहिए, इससे हमें हमारी जो है ना हमारी स्टडी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, इससे हम जो है ना बहुत सारा सीखने को मिलता है। इसकी वजह से इस कंपटीशन की वजह से हमारे स्टैंडअप की बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है थी और इसे पंजाब कॉलेज में एडमिशन लेके मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी पंजाब कॉलेज में एडमिशन लेने की और यहाँ की स्टडी सब कुछ बहुत अच्छा है, हर चीज़ प्रॉपर होती है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पंजाब कॉलेज बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया ये हमारे क्विज कंपटीशन करने का और जैसे आपने कहा एक कौन बनेगा करोड़पति वाली फीलिंग, इसमें यह था कि शुरू में जैसे बंदा टेंस होता है, उसको पता नहीं होता है किस तरह के सवाल आएंगे, शुरू में थोड़ी नर्वसनेस थी मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमने सही जवाब दिए तो कॉन्फिडेंस आता गया कि ये ईजी राउंड है, हमारे पास ही है, हम कर सकते हैं, और फिर इस तरह ही काफ़ी अच्छा गुजर गया और हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। पंजाब कॉलेज इस तरह के इवेंट्स कराता रहता है क्योंकि ये जो है बच्चों को प्रेपरेशन में मदद करते हैं, उनका सिलेबस तैयार हो जाता है, उनकी तैयारी अच्छी होती है, सेंड अप जो आने वाले हैं हमारे उसके लिए भी तैयारी अच्छी हो गई है, बच्चे के पास कोई चांस नहीं रहता गलती करने का, वो जो है फुल प्रेपरेशन के साथ जाता है, अच्छा रिजल्ट लेकर आता है और पंजाब कॉलेज जो है ये कराता रहता है हर साल और स्टूडेंट्स के फ़ायदे में होता है, इसलिए जो पंजाब कॉलेज को चाहिए कि हर साल कराता रहे ताकि अच्छी से अच्छी तैयारी हो सबकी। काफ़ी टफ कंपटीशन था ये, इसमें सब टीमें तैयारी के साथ आई थी, ऐसे प्रोग्राम से बंदे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बंदा हर मैदान में मतलब मुकाबला करता है और बहुत अच्छा कंपटीशन था ये। पंजाब कॉलेज ऐसे कंपटीशन इंशाल्लाह कराता रहेगा। पंजाब कॉलेज पाइंदाबाद, पंजाब कॉलेज जिंदाबाद। मैं आया तो मैं थोड़ा सा लड़खड़ा आया हूँ, पहले मैंने ना क्वेश्चंस के मतलब ना गलत आंसर्स दिए, फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया उधर से बच्चों ने भी हूटिंग की, मज़ा आया तो फिर बंदा फिर जो शुरू हुआ तो फिर शुरू ही हो गया। इस तरह ये अच्छा कदम है, इससे हम लोगों की जो सलाहियतें वो बढ़ती हैं, ठीक है, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस का आंसर देते हैं, इससे हम लोग के मुकाबले की ताकत बढ़ती है, दौड़ बढ़ती है, क्योंकि दुनिया यही रेस ही है और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और PGCE इस तरह के कामों में सबसे आगे है। पाकिस्तान जिंदाबाद, PGCE पाइंदाबाद।